राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक आज से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में अजमेर की महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ को भी आज सुबह 5 बजे से खोल दिया गया है। पहले ही दिन दरगाह शरीफ पर बड़ी संख्या में लोग जियारत करने पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान लोगों में कोरोना गाइडलाइंस की प्रति जागरूकता भी देखने को मिली। वही दरगाह कमेटी भी आमजन से लगातार अपील कर रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। दरगाह कमेटी ने भी दरगाह शरीफ को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया। इस पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने खास जायजा लिया। लगभग 2.5 महीने के बाद अजमेर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह आज खुली है और इसी के चलते देखा जा रहा है कि पूरे जोश और हुजूम के साथ में दरगाह के जो ज़ायरीन हैं वो आने यहाँ पे शुरू हो गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो दरगाह के जो दुकानदार हैं वो थोड़े से मायूस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते आज सुबह जल्दी ही आज दरगाह जब खुली है तो दरगाह को पूरे रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पर दुआ और दुरूद पढ़ के दरगाह को खोला गया है और दरगाह का पूरा तरीके से पूरे दरगाह को सैनिटाइज़र करके और पूरे गाइडलाइन के द्वारा इसको खोला आरम्भ किया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस तरीके से आप सरकार से क्या आप क्या दुकान आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ, मेरी दरगाह बाज़ार में दुकान है। ये सुबह 5 बजे से लेके जो सरकार ने जो गाइडलाइन तय करी है वो शाम के 4 बजे तक है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और जबकि जो है इधर इस तरह के जायरीन आते हैं और शाम को मगरिब का टाइम रहता है और शाम के टाइम आदमी निकलता है कम से कम नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उस टाइम से दुकानदारी चलती है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि कम से कम दुकान का समय बढ़ाया जाए। 4 बजे ज़्यादा उचित नहीं है, आप कम से कम 9-9 बजे तक का टाइम रखा जाए ताकि सारे दुकानदार खुश हो और दिन की रोजी रोटी जो रुकी हुई है वो चलती रहे। 9 बजे तक के दुकानदारों ने टाइम मांगा है। कुछ दुकानदार जो दरगाह के अंदर फूल पेश होते हैं, यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो फूल लेके दरगाहों में जाते हैं। दरगाह में फूलों की दुकान है, बाज़ार में फूलों की दुकान है, पूरी तरह से बंद है, उनको कोई गाइडलाइन में नहीं लिया गया है। कुछ फूल व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी, मायूसी हुई है कि दरगाह शरीफ खुल गई है तो खुशी की बात है, मगर तकलीफ यही है कि हमारी मायूसी हुई है कि भाई हमारी दुकान भी खोली जाती, हम खोल के बैठे मगर ज़्यादा फूल बेचने नहीं दे रहे हमारे को कि भाई 2-3 दिन 4 दिन सबको सब्र करना पड़ेगा। अभी कब तक सब्र करना पड़ेगा? अभी सब्र की भी इंतहा हो गई है और दरगाह शरीफ खुल गई तो फूल ज़्यादा थे, क्या क्या तकलीफ है? हमारा भी काम चालू हो जावे और हमारा क्या, सबका ही काम रुका हुआ है इससे। सारी दुकानें बंद पड़ी है हमारी और खोल भी ली तो बेच नहीं दे रहे कुछ भी। फूल ज़्यादा देख सकते हो आप दरगाह बाज़ार के अंदर। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दुकान जो फूलों की बंद पड़ी हो एक बार दर्शकों को दिखाए, पूरी दुकान एक बार कंप्लीट तरीके से ये बंद पड़ी है। दरगाह के बाज़ार के अंदर फूल व्यापारियों की मांग है कि वह अपनी पूरी तरीके से दुकानें भी, इनको भी दुकान खोलने का समय दिया जाए और दुकान इनकी प्रॉपर तरीके से दुकान खुले तो इनका भी घर गुजर बसर चल सके। जिस तरीके से आप देख रहे हो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि दुकानें पूरी तरीके से बंद है दरगाह बाज़ार में। कुछ दुकानें जो मिठाई की दुकानें खुली हैं या केल कलाने की या कपड़ों की दुकानें खुली हैं, आप सीधे तौर से देख सकते हो पूरा दरगाह बाज़ार। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से बाज़ार अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है, ज़्यादातर इस दुकान दरगाह बाज़ार के अंदर जो दुकानें हैं वो फूलों की दुकानें हैं जो कि पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं। जो फूल व्यापारियों का और दरगाह के कुछ खादिमों की पूरी तरीके से मांग है कि दरगाह की जो फूलों की दुकान है वो भी खोली जाए और इनकी भी जो गुजर बसर काफ़ी 2-2.5 महीने से दुकानें बंद पड़ी उनका भी परिवार चल सके। इनकी मांग सीधे इन्होंने मंत्री जी से मांग की है, मुख्यमंत्री से मांग की है कि इनकी दुकानें प्रॉपर तरीके से खोली जाए, कुछ समय द्वारा ही खोली जाए लेकिन खोली जाए। कैमरा पर्सन नासिर अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़।